Hello children, welcome to our English class. Today our topic is one little kitten. You can see the name of the lesson O N E one L I -t, t l e little K I double -t, t E N Kitten. One little kitten. Part one. In part one, we will do the lesson. Children, you can see the picture of the lesson here. We have taken पोएम इं टू फोर फोर लाइन्स हमने यहाँ पे पोएम को एक साथ ना लेते हुए हमने फोर फोर फाइव फाइव लाइन्स में डिवाइड करके किया है लेट स्टार्ट अवर पोएम टुडे लेटस रीड द नेम ऑफ द लेसन अगेन वन ओ एन ई वन एल आई डबल टी एल ई लिटिल के आई डबल टी ई एन किटन वन लिटिल किटन यू नो वट इज किटन आपको पता ही है ना हमने बेबी सीखे हैं एनिमल एंड दर बेबीज किटन मतलब बेबी ऑफ अ कैट कैट के बेबी को किटन कहते हैं नाउ लिजन एंड एंजॉय दिस पोएम लिजन का मतलब सुनना ध्यान से पोएम को सुनिए और उसका मजा लीजिए एन्जॉय दिस पोएम लेट स्टार्ट फर्स्ट लाइन ओ एन ई वन एल आई डबल टी एल ई लिटिल के आई डबल टी ई एन किटन वन लिटिल किटन यहाँ इस पोएम में हमें कई प्रकार के अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर दिखाई देगी सो so, पहले किस पिक्चर में किस एनिमल के बारे में बात किया गया है वन लिटिल किटन यू कैन सी हियर यहाँ पे ऊपर वाले लाइंस में हम लोग को कई सारे किटन्स दिख रहे हैं कैट एंड किटन दोनों है सी यू कैन सी बेबी इज कॉल्ड अ किटन टू बिग कैट्स टी डब्ल्यू ओ टू बी आई जी बिग सी ए टी एस कैट्स टू बिग कैट्स एक छोटी किचन है और दो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हैं यू कैन सी हीयर बड़े बिग दिख रहे हैं ना आपको बिग कैट्स भी हैं देखिए बिग एंड लिटल टू वर्ड्स आदे थ्री टी एच आर डबल ई थ्री बी ए बी वाई बेबी बी यू डबल टी ई आर बटर एफ एल आई ई एस फ्लाइस थ्री बेबी बटर फ्लाइस और और कौन से Uh, इंसेक्ट के बारे में बोला गया है थ्री बेबी बटरफ्लाइज बटरफ्लाई मतलब तितली मगर तितली की यहाँ छोटी छोटी बेबीज है थ्री यू कैन सी हियर बड़ी सुंदर सी कलरफुल सी बटरफ्लाई यहाँ पे दिख रही है आपको सो so, थ्री बेबी बटरफ्लाई ज़्यादा नेक्स्ट लाइन एफ ओ यू आर फोर B-I-G big R A T S Rats. Four big rats. You can see the picture of the rat here. Up brown brown colour rat na. So kaisi hai rat big body body cho Four big rats. Let us read the four lines. Once again. One little kitten. O N E one. L I double -T, T L E little. K -I -T, T E and kitten. One little kitten. T W O 2 B I G big C A T S cats two big cats next line T H R E 3 B A B Y baby B U T T E R butter F L I E S flies three baby butterflies F O U R 4

बड़े फैट फैट मोटे मोटे फिशेस हैं और फाइव हैं वो यू कैन सी द लास्ट पिक्चर हियर येलो एंड ग्रीन कलर की छोटी सी यहाँ फिश दिखाई दे रही है सो फाइव फैट फिशेस एस आई एक्स सिक्स एस ए डी सैड एस ई ए एल एस सील्स सिक्स सैड सील्स सील एक वाटर एनिमल है और वो कैसी है सील बहुत सैड उदास है

इसको बोलते हैं सीगल और सीगल्स कैसे हैं पोएम के अंदर क्या वो फैट हैं सैड है या सिल्ली है सिली मीन्स थोड़े थोड़े पागल जैसे पता नहीं क्यों सेवन सिली सीगल्स ई आई जी एच टी एट एच ए डबल पी वाई हैप्पी डबल ई -e एल एस ईल्स एट हैप्पी चिल्ड्रेन यू कैन सी दिक्चर ऑफ ईल ही है ये ब्राउन कलर की लंबी सी सांप जैसी फिश है ना इसको कहते हैं ईल सो ईल्स को कैसा बताया गया है पोएम के अंदर हैप्पी वो बहुत खुश है और कितनेपील्स एन आई एन ई नाइन एन ई आर वी ओ यू एस नर्वस लीजर्स एल आई जेड ए आर डी एस लिजर्स ट Lizard का मतलब क्या होता है छिपकली हमने कई बार अपने घर में देखा है ना दीवारों पर छिपकली लिजर्ट का मतलब छिपकली और हमें लिजर्ट्स को किस तरह बताया गया है वह बहुत नर्वस है मीन्स थोड़े थोड़े डरे डरे घबराए हुए से एंड हाउ मेनी लिजर्स आर देर नाइन एन आई एन ई नाइन नाइन नर्वस लिजर्ट्स नेक्स्ट टी ई एन टेन B R A V E ब्रेव B डबल -E, e S bees ten ब्रेव बीस बी का मतलब मधुमक्खी ब्रेव brave मतलब बहुत ताकतवर हिम्मत वाला जो किसी से भी नहीं डरते bees किसी से डरते हैं नो वो इतनी छोटी होती है मगर उसकी जब वो काटती है तो कितना दर्द होता है और वो किसी को भी काटने में डरती नहीं है बड़े से बड़े एनिमल भी bees से डर जाते हैं सो बहुत ब्रेव होती हैं bees तो So, how many brave bees are there in the poem? T E N 10. 10 brave bees. Let's read the lines once again. F I V E 5, F A T fat, fishes, F I S H E S, fishes, 5 fat fishes, Six, six, sad, S E A L S seals, 6 sad seals. S E V E N seven S I double -l Y Silly S -E -A -G -U -double L S Seagulls Seven Silly Seagulls E I G H T eight H A Double P Y Happy Double E L S Eels ha Eight Happy Eels Nine N I N E Nine एन ई आर वी ओ यू एस नर्वस एल आई नाइन नर्वस लेजर्स नर्वस का मतलब थोड़ा डरा डरा और घबराया हुआ नेक्स्ट T E N टेन बी आर ए वी ई ब्रेव बी डबल ई बीस टेन ब्रेव बीस सो बीस बहुत ब्रेव हैं नेक्स्ट E L E V E N लेवेन एस एम ई डबल एल वाई स्मेली एलिफेंट्स ई एल ई पी एच ए एन टी एस एलिफेंट्स लेवन स्मेली एलिफेंट्स सुम्हारे इस पोएम एल एलिफेंट्स को कैसा बताया गया है वेरी स्मेली स्मेली का मतलब बदबूदार बिचारी नहाती नहीं होंगी लगता है इसलिए बहुत बदबू आने लगी सो लेवन स्मेली एलिफेंट्स T W E L V E ट्वेल्व F A T फैट F L E A S fleas twelve fat fleas children fleas का मतलब एक इंसेक्ट होता है एक कीड़ा मकोड़ा टाइप का उसको फ्लीस कहते हैं और फ्लीस कैसे बताए गए हैं पोएम में फैट बहुत मोटे मोटे टेवन ट्वेल्व फैट फ्लीस आप यहाँ पे देख सकते हैं डोंकी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखाई गई है स्मॉल सा इंसेक्ट बताया गया है वो है फ्लीस टी एच आई आर टी डबल ई एन थर्टीन एलिगेटर्स ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एस एलिगेटर्स थर्टीन एलीगेटर्स एलिगेटर मतलब ये मधु ये मगरमच्छ के फैमिली के ही होते हैं क्रोकोडाइल की फैमिली के यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर के दो एलिगेटर्स दे आर वेरी डेंजरस उनकी आँखें बड़ी बड़ी और दाँत कितने सारे हैं यस थर्टीन एलीगेटर्स F O U R T डबल -E, e N फोरटीन वेल्स W H A L E S वेल्स फोर्टीन वेल्स वेल्स मतलब आपको पता है ना बहुत बड़ी फिश द लार्जेस्ट वाटर एनिमल यू कैन सी द पिक्चर हियर सबसे बड़ी मछली ब्लू कलर की यहाँ पे दिख रही है आपको पिक्चर फोर्टीन वेल्स F I F T E E N फिफ्टीन donkeys D O N के ई वाई एस डॉकीस फिफ्टीन डॉकीज एंड हाउ मैनी डॉकीस आर देर डॉकी का मतलब आपको पता है ना घदा सो हाउ मैनी आर देयर फिफ्टीन डब्लू आई टी एच बीथ एफ आई एफ टी डबल ई एन फिफ्टीन टी ए आई एल एस टेल्स विथ फिफ्टीन टेल्स फिफ्टीन डोंकी विथ फिफ्टीन टेल्स मीन कितने डॉकीस है फिफ्टीन एंड फिफ्टीन डोंकी भी हैं ओके चिल्ड्रेन आपको मजा आया पोएम पढ़ के यहाँ पे हमने कितने सारे एनिमल्स के बारे में कुछ सीखा लेट्स रीड द लाइन्स वंस अगेन ई एल ई वी इ एन लेस एम ई डबल एल वाई स्मेली ई एल ई पी एच ए एन टी एस एलिफेंट्स लेवन स्मेली एलिफेंट्स

F O U R T double -E -N w H A L E S Whales fourteen Whales F I F T W E N fifteen D O N K E Y S donkeys fifteen donkeys W I T H with F I F T W E N fifteen T A I L S Tails with fifteen tails फिफ्टीन डोंकीज विथ फिफ्टीन टेल्स सो विध दिस वी हैव कम्प्लीटेड अ पोएम आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से रीडिंग करने की इसमें हमने नंबर्स भी सीखे ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डबल ई थ्री ऐसे हमने नंबर्स फिफ्टीन तक सीखे एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी सीखा होप यू लाइक दिस पोएम लेट्स मू टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज